गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज परिमल कुलकर्णी एंड स्पेक्ट्रम में मैं फिजिक्स बोर्ड्स एंड सीईटी के लेक्चर्स कंडक्ट करता हूँ। ठीक है, आज जो हमारा ये लेक्चर है, लेक्चर या फिर मैं इसको एक सेशन बोलूंगा, डिस्कशन बोलूंगा। ओके, दिस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, जो आपका फिजिक्स का हम लोग बोलते हैं पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, यानी बोर्ड्स में जो आपको थेरी पेपर आने वाला है। ओके, वो थेरी पेपर में जो क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, वो किस टाइप के रहेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स कितने रहेंगे, ओके, और अगर थेरी क्वेश्चंस है तो उसमें लिखना कितना है, कैसे लिखना है, ओके, वो थोड़ा बहुत हम लोग क्या करने वाले हैं ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका बोर्ड का पेपर रहता है, ओके, ट्वेल्थ का, एंड सेम पैटर्न इलेवेंथ के लिए भी है, बट अभी फिलहाल सिर्फ ट्वेल्थ के लिए डिस्कस करेंगे। तो जो आपका बोर्ड का पेपर है, ओके, उसमें चार सेक्शन रहते हैं। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ओके, सेक्शन ए अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर वन आता है, और वो क्वेश्चन नंबर वन में देर आर टोटल 10 सब क्वेश्चंस। ओके, तो उसको हम लोग जो आपका रोमन न्यूमेरिकल्स है, ओके, वन से लेकर 10 तक उसका नंबरिंग रहता है। ओके, और वो जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके एमसीक्यू रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, हर एक जो क्वेश्चन है उसका वेटेज कितना रहता है, 1 मार्क। जो टोटल पूरा क्वेश्चन नंबर वन है, ओके, उसका वेटेज कितना रहेगा आपका, 10 मार्क्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है। ओके, यानी हम लोग बोलेंगे कि ये जितने भी 10 क्वेश्चंस हैं, ओके, ऑल आर कंपलसरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको अटेम्प्ट करना ही है। ओके, इसमें आपको कोई, ओके, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है, ये क्लियर है। ओके, और इसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है कि जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें आपके 7 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे और 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको यहाँ पे कितने न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आपको यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल, यानी यहाँ पे जो 3 मार्क है वो आपको किसके लिए जा रहे हैं, न्यूमेरिकल यानी सम सॉल्विंग के लिए जा रहे हैं, ये क्लियर है। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं अभी ये आपका जो पूरा फिजिक्स का पेपर रहेगा, ओके, वो कितने मार्क्स का रहेगा, तो इट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। ओके, यस, और वो 70 मार्क्स में से जो पहले 10 मार्क्स है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं। ओके, यानी वो 10 मार्क्स में से हम लोग ऐसे बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो 10 क्वेश्चंस हैं, ओके, उसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि अगर आपने एवरेज पढ़ाई भी की होगी तो भी आप ये 7 to 8 क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, यस, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर वन है, ओके, वो क्लियर हुआ है। मैं वापस एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन में 10 MCQ रहेंगे। ओके, हर एक जो MCQ रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, टोटल जो वेटेज रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स का। ऑल द क्वेश्चंस आर व्हाट, कंपलसरी। ओके, यानी आपको 10 के 10 MCQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो 10 MCQ में भी आपके 7 थ्योरी MCQ हो गए, यानी जो थ्योरी के ऊपर बेस्ड हो गए, जहाँ पे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना हो, और बाकी के जो 3 रह गए, ओके, वो क्या रहने वाले, आपके न्यूमेरिकल रह गए। ठीक है, और इसका रैंडम पैटर्न आता है, यानी ऐसा नहीं रहने वाला कि फर्स्ट 7 थ्योरी और बाकी के 3 न्यूमेरिकल। ओके, तो ये मिक्सअप होके आते हैं। ओके, ये क्लियर है। एनीवे, इसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो आंसर द फॉलोइंग है, यानी हम लोग बोलते हैं वो 1 लाइन या 2 लाइन आंसर्स है। तो इसके अंदर क्या आते हैं, डेफिनेशंस आते हैं या लॉज आते हैं। ठीक है, यस, कुछ जगह पे हम लोग को थोड़ा बहुत और एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, यानी 3 या 4 लाइन के आंसर्स हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। अगेन, ये 1-1 मार्क के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल जो हम लोग बोलेंगे, ओके, ये जो 8 क्वेश्चन है उसका वेटेज कितना होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो नंबरिंग रहेगा वो आपका रोमन नंबरिंग रहने वाला है, इट विल बी 1 to 8। ओके, यस, अगेन सबके सब क्या है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, यस, तो यहाँ पे भी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहाँ पे भी मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऑल आर कंपलसरी टू सॉल्व। अच्छा, इसमें जो पैटर्न है वो हम लोग कैसे देखते हैं, तो ये 8 क्वेश्चंस में से 6 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे और 2 न्यूमेरिकल आएंगे। यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को, यानी अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स अच्छे किए तो आपके 2 मार्क क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ 3 2, उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मिला के आपका क्या हो जाता है, ओके, तो वो सेक्शन ए हो जाता है, ये क्लियर है। और अगर हम लोग देखेंगे सेक्शन ए, तो उसको ओवरऑल कितने मार्क्स है, तो विल से टोटल जो सेक्शन ए को मार्क्स है, दैट इज 18 मार्क्स। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने रेगुलर भी पढ़ाई की है बोर्ड्स की, ओके, यस, या फिर जो अभी आप लोग JEE की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो भी अगर आपने अच्छे से की भी है, ठीक है, तो ये 18 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं। बस आपको क्या है ना, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चंस के आंसर कितने लिखने हैं और कैसे लिखने हैं। ठीक है, एनी वे, विल मूव टू सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी में हम लोग बोलेंगे,
ओके, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू जो था वो सेक्शन ए में था, अब सेक्शन बी में डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट होगा, तो सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, तो टोटल 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन टिल क्वेश्चन नंबर 14, ओके, तो क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक अगर आप गिनोगे तो टोटल कितने होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन ये ऐसा है कि सेक्शन बी अपने आप में क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हो एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, यस, और हम लोग बोलेंगे तो वो जो उसके टोटल 12 क्वेश्चन है उसमें से आप कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये हर एक जो क्वेश्चन है वो कितना है, 2 मार्क का है, तो इसके अंदर आप ऐसा बोल सकते हो एक छोटा मोटा लॉ या फिर कोई डेरिवेशन, ओके, वो भी आ सकता है, वो आपको प्रूव करने के लिए हो सकता है, ठीक है, यस, अच्छा, इसमें जो अटेम्प्ट एनी 8 है, ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसमें आपका एक बहुत बड़ा फायदा है, तो वो कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो 12 क्वेश्चन है उसमें 7 थ्योरी क्वेश्चन है और 5 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स में ही मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बहुत अच्छा चांस है, आप पांचों के पांचों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यस, यानी जो आपके 8 क्वेश्चन है उसमें से आप 5 न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है, 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, और हम लोग क्या बोलेंगे, बाकी के जो 3 है तो जो आप बेस्ट लिख सकते हो वो थ्योरी क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो 5 न्यूमेरिकल, यानी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आप मैक्सिमम कितने मार्क्स निकाल सकते हो, सो इट विल बी 2 × 5, दैट इज गोइंग टू बी 10 मार्क्स, ये क्लियर है, ठीक है, यस, तो ये हुआ आपका सेक्शन बी, मैं आपको वापस बता देता हूँ, सेक्शन बी जो है, ओके, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 4, 5, 6 सो ऑन, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक एक क्वेश्चन ही ऐसा समझ लो, ओके, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है, ओके, ये क्लियर है, सेक्शन बी में टोटल कितने हैं, 12 क्वेश्चन है, ओके, और हम लोग क्या बोलते हैं कि वो 12 क्वेश्चन में पैटर्न कैसा है, 7 थ्योरी आएगा एंड 5 न्यूमेरिकल्स आएगा, अब ये 7 थ्योरी एंड 5 न्यूमेरिकल्स में कोई ऐसा भी हो सकता है जो 7 थ्योरी अटेम्प्ट करे और एक कौन सा तो भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करे, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको अगर 4 थ्योरी करने हैं, 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं, आप वैसा भी कर सकते हो, जो कॉम्बिनेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आपको टाइम बचाना है, ओके, यस, पेपर टाइम के पहले खत्म करना है और थोड़ा टाइम आपको, ओके, एक बार बोलते हैं रीचेकिंग या उसको एक बार वापस अच्छे से देखना है, पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा कि पांचों के पांचों न्यूमेरिकल्स क्या करो, आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, यस, और ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, तो काफी हम लोग बोलते हैं कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, यस, तो सेक्शन बी जो है उसका टोटल वेटेज कितना है, इट इज ऑफ 16 मार्क्स, ठीक है, और वो 16 मार्क्स में से भी हम लोग बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स में आप मैक्सिमम कितना सॉल्व कर सकते हो, तो 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ओके, यस, ये क्लियर है, सो फ्रॉम सेक्शन बी आई होप आपको ये समझ में आया इसका पैटर्न, ठीक है, नाउ विल मूव टू सेक्शन सी, ओके, सेक्शन सी जो है वो सेक्शन बी जैसा ही है एग्जैक्टली, ओके, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन के नंबरिंग स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, ओके, वो स्टार्ट हो गई, यानी क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक, तो टोटल कितने आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें से आपको कितने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ फर्क ये है कि सेक्शन बी का हर एक जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क का था, और सेक्शन सी में हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क का है, तो अगर आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वेटेज रहेगा ये क्वेश्चन का वो कितना रहेगा, इट विल बी ऑफ 24 मार्क्स, ठीक है, अच्छा, अब ये जो 12 क्वेश्चन रह गए, ओके, उसमें से आपको 7 थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें ये जो 12 क्वेश्चन है अगेन सेम जैसा सेक्शन बी में था वैसे यहाँ पे भी है, आपको 7 थ्योरी है और 5 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, तो जो आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 5 के 5 जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर लो और बाकी के 3 क्या करो, थ्योरी सॉल्व करो, तो अगर आप 5 के 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हम लोग बोलेंगे 5 × 3, यानी यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 15 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, यस, तो मैं ये राइट साइड पे क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ सम सॉल्व करने से आपको फिजिक्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं, ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, ओके, तो उनका वही टेंडेंसी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो क्या करते हैं, सेव करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और थ्योरी कम लिखते हैं वो, ओके, यस, तो आई होप आपको सेक्शन सी समझ में आया, ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ, सेक्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 तक, टोटल 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें से आपको कौन से भी 8 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो 3 मार्क का रहेगा, और जो टोटल वेटेज रहने वाला है सेक्शन सी का वो कितना रहने वाला है, इट विल बी ऑफ 24 मार्क्स, ठीक है, इसमें भी पैटर्न वैसा ही है, 7 थ्योरी है और 5 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, यस, नाउ विल मूव टू सेक्शन डी, ओके, सेक्शन डी जो है तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका लास्ट सेक्शन है और उसमें है आपको जो मेजर डेरिवेशन रहते हैं, ओके, या न्यूमेरिकल्स रहते हैं बड़े, ओके, वो आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अच्छा, सेक्शन डी में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होता है,
सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 पे एंड हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, सो ऑन, ऐसे टोटल कितने हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 4 मार्क्स है, तो टोटल ये सेक्शन का वेटेज कितना होगा, सो इट विल बी 3 × 4, यानी कितना हुआ, 12 मार्क्स, ठीक है, यस। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चंस है, ओके, उसमें से कंपलसरी आप लोगों को 3 क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं, ओके, देखो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 4 मार्क का है, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं ये जो 5 क्वेश्चंस है उसमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे 2 मार्क के, ओके, थ्योरी पार्ट रहेगा और 2 मार्क का न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं लेटेस्ट से क्वेश्चन नंबर 27 है, तो उसमें एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ओके, कोई तो भी एक छोटा सा डेरिवेशन रहेगा वो आपको सॉल्व करना रहेगा, और सेकेंड जो रहेगा तो एक न्यूमेरिकल रहेगा, ये आपको क्लियर है, ठीक है, यस। तो ऐसे आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन करता हूँ तो ये 3 क्वेश्चंस में, ओके, हम लोग बोलते हैं 2 मार्क के सब क्वेश्चंस तो रहने वाले हैं न्यूमेरिकल के, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स के 6 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, और ये 3 क्वेश्चंस अगर छोड़ दिए, अभी इमेजिन करो ये सेक्शन डी है उसमें क्वेश्चन नंबर 27, 29 और 31, ये 3 क्वेश्चंस ऐसे आए, ओके, जिसमें 2 सब क्वेश्चंस थे ए एंड बी, दो मार्क के, 2 मार्क का थ्योरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल, ठीक है, यहाँ पे भी 2 मार्क का थ्योरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल, और इधर भी 2 मार्क का थ्योरी एंड 2 मार्क का न्यूमेरिकल। तो ऐसे केस में अगर आप ये न्यूमेरिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो वापस आपके 6 मार्क्स क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, यस। और बचे हुए ये जो 2 क्वेश्चन है 28 एंड 30, तो ये आपके बड़े डेरिवेशन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई बड़े न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दे कैन बी थ्योरी ऑल्सो और दे कैन बी न्यूमेरिकल ऑल्सो, ओके। तो अगर मैं अस्यूम करता हूँ कि दोनों के दोनों न्यूमेरिकल आ रहे हैं इन केस, ओके, ऐसा तो होगा नहीं, ओके, लेकिन अस्यूम करते हैं, ओके, सेफर साइड पे अगर मैं बोलता हूँ, ओके, कि हमारा लक अच्छा रहा और दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स आ गए, तो हम लोग बोलेंगे ये 4 मार्क एंड ये 4 मार्क, ये कितने हो जाएंगे, 8 मार्क, यानी आपका मैक्सिमम यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ओके, तो 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, और मिनिमम कितने मिल सकते हैं, 6 मार्क्स, ओके। तो ये 6 मार्क्स जो है, ओके, मैं बोलूंगा दिस विल बी मिनिमम, एंड 14 मार्क्स जो रह गए वो आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या मिल सकते हैं, मैक्सिमम मिल, ठीक है, यस। ये जो साइड के मैंने लिखे हुए मार्क्स मैं वापस बता रहा हूँ, वो सिर्फ मैं न्यूमेरिकल को क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, ओके, यस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स को ऐड करता हूँ, न्यूमेरिकल के रिलेटेड मार्क्स को, ओके, तो ये हो गए 3, 2, ये कितने 5, ये हो गए 10, 15, ओके, ये हो गए अगेन दिस इज 15, यानी कितना हो गया 30, बराबर 30, और जो मिनिमम यहाँ पे मार्क्स है वो कितने हैं, 6, यानी 36, ओके। और हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैक्सिमम जो है अगर हुआ तो शायद 14 आ सकते हैं, चलो हम लोग, ओके, 6 और 14 का एवरेज ले लेते हैं, यानी 10 ले लेते हैं, ओके, यस। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, आपको मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 40 मार्क्स आप न्यूमेरिकल से निकाल सकते हो, ओके, यस, यानी 36 से 40 मार्क्स आप इजिली क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल से निकाल सकते हो, और बाकी का जो मार्क्स है वो आपको थ्योरी से निकालना पड़ेगा, ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो पूरा जो पेपर है, ओके, तो वो 70 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, लेकिन अभी ध्यान में रखो, ओके, तो ये पेपर के लिए आपको कितना टाइम मिलने वाला है, ओके, 3 आवर्स मिलने वाला है। अगर आप न्यूमेरिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, ओके, तो ये पेपर आप इजीली 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हो, 2 या मैक्सिमम 2 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अभी ये जितने भी सेक्शन है तो इसको थोड़ा और समझाने के लिए मेरे पास एक सैम्पल पेपर भी है, तो जैसे आप ये देख सकते हो, ओके, ये आपका फिजिक्स का क्या है, सैंपल पेपर है, ओके, 3 घंटे का आपका क्या रहेगा, टाइमिंग रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, और आपके मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 70, ये इस तरह से रहेगा, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहने वाला है, ओके, यस, तो दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन MCQ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 10 MCQs है, ओके, यस, और ये 10 MCQs में हम लोग बोलेंगे सेम पैटर्न क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, ओके, तो इसमें 7 थ्योरी एंड 3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे कितने हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्लियर। और ये जो 8 क्वेश्चंस हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, पिछले इसमें हर एक क्वेश्चन कितना था, ओके, वो भी 1 मार्क का था, तो इसका टोटल वेटेज आपका कितना था, 10 मार्क्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मिला के क्या है, सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन बी जो है तो वो हम लोग बोलते हैं इट इज ऑफ व्हाट, 16 मार्क्स,
तो देखो अगर आप सेक्शन बी देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है यस। और इसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 8, ये क्लियर है। आप उससे ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने पेपर पूरा चेक कर लिया है, व्हेन यू आर श्योर कि आपने जो लिखा है वो प्रॉपर है, ठीक है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है यस। तो सेक्शन बी जो है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, आपको 8 अटेम्प्ट करना है और वो आपका टोटल वेटेज कितना होगा, 16 मार्क्स। सेक्शन सी जो है ओके, अगर आप उसको देखते हो तो इट इज सिमिलर टू सेक्शन बी, बस 3 मार्क का है, उसका टोटल वेटेज कितना होने वाला है, इट विल बी 24 मार्क्स। एंड तो अभी हम लोग सेक्शन डी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला हुआ था आपको, सेक्शन डी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। अच्छा, ये 5 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन, हर एक जो क्वेश्चन है वो कितना है, 4 मार्क का है। तो जो इसका टोटल वेटेज है वो कितना है आपका, 12 मार्क्स का, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। और इसमें मैंने आपको एक और बात बताई थी, ये जो 5 क्वेश्चन है उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे कंपलसरी रहेंगे, ओके। अब हम लोग बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन कितना है, 4 मार्क का, ये जो स्पेसिफिक 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि 2 मार्क थ्योरी रहेगी एंड 2 मार्क क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन डी का, ओके, उसमें अगर आप देखते हो तो जो पहला पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया। और जो दूसरा पार्ट है, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेटेड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो हो गया वो सेकंड पार्ट हो गया, ओके। तो जो फर्स्ट पार्ट था थ्योरी पार्ट वो 2 मार्क का था, और जो सेकंड पार्ट है वो भी कितना है, 2 मार्क का है, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा डेरिवेशन है, ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, प्रूव दैट E इज इक्वल टू -d5/dt, वो पूरा 4 मार्क का आपका थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद न्यूमेरिकल भी आ सकता है तो, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आपको ये 5 क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे जिसमें फर्स्ट पार्ट थ्योरी है एंड सेकंड पार्ट क्या है, न्यूमेरिकल है। जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 27 देखा, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 30 भी है, देखो ऑन विच फैक्टर्स सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स, ओके। और फिर जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका, न्यूमेरिकल का है, अ गैल्वेनोमीटर हैज 25 ओम रेजिस्टेंस एंड अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 70 मिली एम्पियर, ओके, सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 भी अगर आप देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, डिराइव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। ये जो पार्ट है वो थ्योरी का पार्ट है, ओके, यानी आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। और हम लोग बोलते हैं जो सेकंड पार्ट है, और कैपेसिटर कैरीज अ चार्ज ऑफ, ओके, 6 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम है, ओके, यहाँ पे बराबर प्रिंट नहीं हुआ है, एट अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट, ओके, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन कंडेंसर। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो न्यूमेरिकल का। तो आपको यहाँ पे ऐसे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें 4 मार्क जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 2 मार्क जो है वो न्यूमेरिकल है, 2 मार्क जो है वो थ्योरी है, ठीक है, ये क्लियर है। तो आई होप अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ओके, आप लोगों को जो मैंने सैम्पल पेपर दिखाया है उससे जो मैंने यहाँ पे पूरा आपको पैटर्न लिख के दिया है वो आपको समझ में आया है। ये वापस मैं बोल रहा हूँ, पूरा जो पेपर है वो कितना है, 70 मार्क्स का है। आपको कितना टाइम मिलने वाला है, 3 आवर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, यस। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, ये जो थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं, अब वो थ्योरी क्वेश्चन क्या आएंगे, कैसे आएंगे, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको एकदम एक सिंपल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं, ओके, फिजिक्स सब्जेक्ट हो या केमिस्ट्री हो, दोनों के लिए अप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो जो भी आप टॉपिक कंसीडर कर रहे हो, लेट अस से फिजिक्स का एक टॉपिक कंसीडर किया आपने, रोटेशनल डायनेमिक्स, तो वो टॉपिक खत्म करने के बाद, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद या उसके लेक्चर्स देखने के बाद, आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज पे जाना है, और जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है ना उसके आप लोगों ने क्या करना है, खुद से नोट्स निकालना है। जब आप खुद से नोट्स निकालते हो तो इससे क्या होता है कि आप जो सब्जेक्ट है, ओके, उस सब्जेक्ट पे आप क्या करते हो, और ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है, उसके कंटेंट के ऊपर फोकस करते हो, और आपको ना एक रियलाइजेशन होता है कि आपने कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। यानी आप एक तरह से सब्जेक्ट को क्या करते हो, वापस अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, यस। तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये भी है कि जो आपके बोर्ड के पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो 90% थ्योरी क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, 90 या 95%, ओके, थ्योरी क्वेश्चन, ओके, वो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पीछे के ही आते हैं, ओके। तो जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन उसमें से ही वो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, ओके, मैं बोल रहा हूँ 90 to 95%। हाँ, एक आधा क्वेश्चन कोई ट्विस्टेड हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं गिव रीजन, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको रिलेशन प्रूव करना है, ओके, लेकिन वो भी आप उसको न्यूमेरिकल जैसे ट्रीट कर सकते हो। बट एनीवे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स आप लोगों ने प्रॉपर प्रिपेयर करना है, ठीक है, यस। तो एनीवे, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, लेक्चर या फिर आप इसको एक सेशन बोल सकते हो, ठीक है, यस।
आप लोगों को कोई भी क्वेरीज या डाउट हो गया, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कपिल सर आपको मेरा कॉन्टैक्ट भी जो है वो शेयर कर देंगे। यस, एनी वे, यस, ऑल द बेस्ट।